हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज 100 क्वेश्चन की पीवाई की सीरीज में हम लोग 63 क्वेश्चन नंबर पर आ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए मॉड वाले क्वेश्चन, इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको समझना ठीक है। देखिए इसको हम लोग लिखेंगे आई इक्वल टू, सभी को अलग अलग कर लेते हैं, 1/4 एक्स माइनस 1 मॉड में ठीक है, डी एक्स हो जाएगा। फिर प्लस 1/1 to 4 मॉड में एक्स माइनस 2 ठीक है, उसके बाद ये डी एक्स हो जाएगा। फिर प्लस 1/4 एक्स माइनस 4 वह ये डी एक्स हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आपको सबसे पहले आपको एक वैसे बनाना होगा इस नंबर लाइन ठीक है, ये माइनस इनफाइनाइट होगा और ये इनफाइनाइट होगा। तो आप इसमें क्या करते हैं, वैल्यू 0 पुट करते हैं ठीक है। अगर इसको 0 इक्वल टू 0 करते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब कि ये 1 से लेकर 4 ही तक होगा, कहाँ तक होगा, 1 से लेकर के 4 तक ही होगा। तो ये 1 आया है तो इधर ही जाएगा, समझ में आ रहा है, इधर ही जा रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा ठीक है। इधर आएगा तो क्या होगा, इधर आएगा तो क्या होगा, निगेटिव रहेगा, इधर जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा। बात समझ, क्यों हमको इधर जाना है, क्योंकि 1 to 4 जाना है। अगर हम लोग को इधर आना होता तो हम लोग को निगेटिव लेना होता ठीक है, तो हमको क्या लेना, इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 मॉड को हटा करके ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 1 और 1 to 4 हो जाएगा ठीक है। अगला कैसा स्टेप करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगला स्टेप कैसे करेंगे, अगला स्टेप के लिए मैं यहाँ पर इसका नंबर लाइन बना रहा हूँ, ये भी माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट होगा ठीक है। इसकी वैल्यू अगर एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, अगर 0 रखेंगे तो एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 2, तो अब ध्यान दीजिएगा बीच में 2 आ गए, ये 1 है ये 4 है, बीच में क्या आ गया, 2 आ गया, तब हमारा 2 बनेगा वैल्यू। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 1 to 2 लिखेंगे, जब 1 to 2 लिखेंगे ध्यान दीजिएगा तो हमको पीछे आना पड़ेगा ठीक है, इधर आना पड़ेगा ना, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 डी एक्स हो जाएगा। इतनी चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। अब क्या होगा, 2 से 4 जा रहे हैं, 2 से 4 जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, इधर जा रहे हैं तो निगेटिव, क्लियर हो रहा है ना। अब यहाँ पर हम 2 से 4 जाना है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 2 से लेकर के 4 तक हो जाएगा, और प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस है ना अंदर, एक्स माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स। अब तीसरा हमारे पास नंबर लाइन, इसका बना लेते हैं, मैं आगे समझाऊंगा, आप अच्छे समझ, ये सारा एक ही लाइन में है ठीक है। अब तीसरा अगर हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा 1 to 4 है, नंबर सिस्टम बनाते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक ठीक है। तो अब ये 1 है और ये 4 है, यहाँ पे अगर 4 के इक्वल करेंगे तो 4 के 4 ही आ जाएगा, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ये 4 आ गया। अब इधर तो हमको जाना नहीं है, इधर जाना होता तो पॉजिटिव, इधर जाना होता तो निगेटिव, तो अब हमारे जो ये इक्वेशन होगा ये निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी सभी को, 1 to 4 ही लेंगे और क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्स माइनस 4 और ये डी एक्स हो जाएगा। हमारे पास 1, 2, 3, 4 वैल्यू आ गए हमको इंटीग्रेट करने के लिए। अब क्या करना है, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। इतनी चीज़ जो मैं समझाएं इतनी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी ठीक है। पहली बार में नहीं समझ में आया, दूसरी तीन बार में समझाया, तीनों का कैसे इसको ब्रेक करते हैं मॉड वाले को, ऐसे मॉड वाले को ब्रेक करके हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब देखिए इसको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमने इसको सॉल्व किया ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब इसका इंटीग्रेट करेंगे ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेट करते कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, इसका लिमिट कितना हो जाएगा, 1 to 4, मतलब इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट। उसके बाद माइनस का साइन, ये माइनस बाहर ले लेंगे, ये माइनस हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर माइनस 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 2, इसका जो 1 और 2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा होगा सभी को, ये थोड़ा सा मैं इधर कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्लस की साइन है तो प्लस हम लोग ले लिया ठीक है। अब क्या हो जाएगा, प्लस 1, तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, माइनस 2x, माइनस 2x हो जाएगा इसका भी, और इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 2 से लेकर के 4 तक हो जाएगा ठीक है। फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 4x ठीक है, 1 से लेकर के 4 तक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 से लेकर के 4 तक हो जाएगा ठीक है, इसकी लिमिट हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम लोग रखेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, अपर लिमिट लिख करके फिर माइनस लोअर लिमिट, फिर इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप कर देंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी ठीक है। आइए इसको अगले पेज पर हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ ठीक है। देखिए इसको करेंगे तो ओवर आएगा क्या, पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 9/2 आएगा ठीक है, क्या आएगा, 9/2 आएगा, फिर प्लस 1/2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर क्या आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। ओवरऑल आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ओवरऑल इसको आप सॉल्व करेंगे तो 23/2 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको निकालने आता है, लेकिन आप एग्जाम में पूरा एकदम विधिवत करिएगा ठीक है। मैं अगर करूँगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो मतलब टाइम ज़्यादा मतलब कि 1-2 मिनट वीडियो में ऐड हो जाएगा, इससे बढ़िया कि आप उसको कर लीजिएगा, क्योंकि आप ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हैं ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट सारी चीज़ें अच्छे से करते हुए इसको सॉल्व करिएगा, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 23/2 आ जाएगा। और यहीं पर वीडियो समाप्त होता है, आपको इसमें भी 6 नंबर या
चार नंबर के क्वेश्चन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ऐसे बेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप इसको जाकर देखिएगा, इसका फ़ायदा उठाइएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कर लीजिएगा, क्योंकि ये नंबर आपको जरूर गेनिंग नंबर है, गेनिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर ही रहे हैं, प्यार ढेर सारा दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।